चलो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी इसको दो भाग में हम लोग बांटे हैं। पहले भी बांटे थे फंडामेंटल और डेराइव में, लेकिन अब जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। तो एक हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिनमें क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, वैसे क्वांटिटीज जिनके केवल वैल्यूज होते हैं, केवल मान होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था पिछले क्लास में, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क। ठीक है, इनमें जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल जोड़ घटाव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इनके कैलकुलेशंस में, क्योंकि इनके पास केवल वैल्यू होता है। तो वैल्यू है तो नॉर्मल जो जोड़ घटाव हम लोग मैथ्स में करते हैं वही जोड़ घटाव यहाँ भी होगा। लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटी की तरफ है, तो ये ऐसे क्वांटिटीज हैं हैविंग, क्वांटिटीज हैविंग तीन बातें। पहला, इनमें मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा, और तीसरा जो आपको अभी नहीं पढ़ना, आगे आप पढ़िएगा, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस केवल जानकारी के लिए आप याद रखें, क्योंकि ये डिफरेंस एक क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक करंट की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है वो स्केलर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर वो तो वेक्टर होना चाहिए, तो वो इसीलिए वेक्टर नहीं होता है क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है। तो इस वजह से मैंने ये लिखा है, लेकिन ये सब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप 11th में पढ़िएगा, जानिएगा उस समय। फिलहाल आप इतना तक से आपका काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी और क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ दे दिया कि मान लीजिए कहीं आप कंपटीशन दे रहे हो, पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, तो आप तो समझिए कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, तो आप फट से उसको वेक्टर में टिक कर दीजिएगा। लेकिन उसमें वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है, इसलिए उसको वेक्टर में नहीं रखा था। वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये होगा। अब आगे अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट को बांटेंगे कि यूनिट जो है वो क्या है और यूनिट के टाइप्स कितने हैं। फिलहाल अब नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक यूनिट। यूनिट मैंने पहले ही बताया था, एक यूनिट क्या है, जैसे हमारे नाम के पीछे जो सरनेम होता है, जो मैंने सॉरी टू से जो हमारी जाति का बोध कराता है, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि चार ठो राम, चार लोग हैं हमारे समाज में जिनका नाम तो राम ही है, लेकिन यदि मान लीजिए हम उनको पहचान भी नहीं रहे हैं, देखे भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको बोला जाएगा एक राम सिंह है, एक राम झा है, एक राम चौधरी है, एक राम जायसवाल, ये जैसे ही ये पीछे की बातों को आपने इनके साथ जोड़ा, तो हमारे समाज में उनको एक जाति के कैटेगरी में देखा जाने लगेगा, यानी वो तुरंत उनकी पहचान बन जाएंगे, उनका नाम जो है वो एक कैटेगरी का पहचान बन जाएगा। उसी ढंग से हमारे यहाँ यूनिट होता है, इट इज द सिग्निफिकेंस, ये महत्व है या पहचान है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी।
जब तक हम लोग समझिए फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे वो है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनका एग्जांपल दिया वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये 3 × 5 लिखा हुआ है, आप बताइए कि इनमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। आप सीधा बोलिए कि सर ये तो 5 है। लेकिन अब देखिए यूनिट का क्या खेल है, जैसे ही यहां मैंने लिखा 5 kg, यहां लिखा 5 L और यहां 5 N, तुरंत जैसे ही इनके साथ ये क्या न्यूटन केजी और ये क्या था, ये यूनिट। तो जैसे ही यूनिट लगा इनका, इन पांच का जो ये 5 एक ही तरह के थे अब ये अलग अलग होगा। तो मेन किसका भूमिका रहा है यहाँ, यूनिट का। ये यूनिट जैसे ही लगा तो इस 5 kg को क्या बना दिया, मास बना दिया। फिजिकल क्वांटिटी की पहचान है केजी भाई उसका यूनिट है, लीटर यानी किसका वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम बता दिया, और न्यूटन किसका तो फोर्स का। तो ये हम लोग जाने कि यूनिट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। बिना यूनिट का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेकार है, अंधा है वो, एक तरीके से क्लियर नहीं हम कर सकते कि वो क्या है। 5 m जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि वो दूरी है, 5 kg नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, केजी जब तक नहीं लिखेंगे पता नहीं चलेगा कि मास है, लीटर नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट लिखना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं सख्त हिदायत दे दूं कि आप जब भी कभी आगे चल के न्यूमेरिकल्स बनाएं तो यूनिट जरूर लिखें, क्योंकि CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से यदि आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन में यदि मान लीजिए 2 marks है तो कम से कम आधा मार्क्स वहाँ यूनिट के लिए केवल काट लेंगे। बहुत सारे टीचर 1/2 marks काट देते हैं और वहाँ उनका अधिकार भी है, क्योंकि बिना यूनिट के हम पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, गधा है, आम है, इमली है, क्या है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी। अब आइए यूनिट के टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट के टाइप्स पे। तो हमारे पति आप ही, मैंने बताया है कि जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी चलेगा तैसे तैसे यूनिट चलेगा। तो जिस ढंग से फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने भाग में बांटा था, शुरुआत में बेसिक 2 भाग में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट किसका होगा, यूनिट उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का होगा। तो एक हो जाएगा आपका क्या, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट्स। समझ गए अब ये फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट, आप मुझे उम्मीद है कि 90% लोग समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं फंडामेंटल यूनिट क्या है। ये उन यूनिट्स ऑफ, ये उन फिजिकल क्वांटिटीज के हैं यूनिट, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फंडा, ये वैसे यूनिट्स हैं जो किनके यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट, और इनकी संख्या कितनी है, 7। कितनी संख्या है, 7। याद होगा आपको, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 जो हो गए वो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोले। नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड यूनिट, इनकी संख्या तो असंख्य है। क्यों, क्योंकि दीज आर द यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी।
डिराइव्ड जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, बाकी अब इन सब के अलावा जो भी ले लीजिए, मान लिया हम लोग स्पीड के यूनिट की बात करें, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये कैसा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। यदि हम लोग बात करें यदि बात करें आपको एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो यूनिट हो जाता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम लोग बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी भी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी केजी बाय मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सब जो है ये इनसे निकले हैं, किन से, डिराइव्ड से, ये सॉरी फंडामेंटल से, और ये उन पे डिपेंड करता है। तो हमको अभी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, हमको यहाँ उनके यूनिट के बारे में जानना है। जितने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, उनके जितने यूनिट्स हैं, वो सारे यूनिट्स हो जाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और ये हुए हमारे यूनिट्स के दो टाइप। चलो स्टार्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ तक यूनिट सब तो बता दिया, अब है कि यूनिट का डिसाइड कैसे करें। यूनिट में हम लोग यदि बात करें तो बहुत तरह के यूनिट्स हैं। यदि बात करें कुछ और यूनिट की, तो कुछ ट्रेडिशनल यूनिट है। ट्रेडिशनल यूनिट यानी जो परंपरा से चलते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आज भी आपका हाइट पूछा जाएगा तो सब लोग क्या बोलेंगे, इतना फिट इतना इंच, फिट एंड इंच। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट की मैं चर्चा करूंगा आपसे, स्टैंडर्ड यूनिट ये नहीं है, ठीक है। आज भी आप केक खरीदने जाते हैं तो केजी में नहीं बोलते, ना ग्राम में बोलते हैं, आप पाउंड में बोलते हैं। तो ये भी हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल सॉरी ट्रेडिशनल यूनिट ये भी है, पुराना यूनिट जो चलता चला आ रहा है, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे यूनिट हैं। जैसे यदि आप अपने पुराने, आप अपने दादा दादी से बात कीजिए, तो वो लोग बोलेंगे माइल, कि मैं, मेरा स्कूल 2 मील दूर था। तो मील जो है वो क्या है, वो भी ट्रेडिशनल यूनिट है। फिर आप कभी कभी वजन की बात कीजिएगा उनसे, कि वजन, तो बोलते हैं कि हम एक सिर आटा लाते थे, एक सिर गेहूँ, सिर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, ये भी क्या है, ट्रेडिशनल यूनिट्स है। और ये ट्रेडिशनल यूनिट्स, फिर मैंने कुछ और भी ट्रेडिशनल यूनिट्स बताया था, जैसे इसको, इतने दूर को क्या बोलते हैं, क्यूबिट। इतने दूर को सॉरी हाँ क्यूबिट, इतने दूर को हैंड स्पैन, उल्टा बोल दिया लगता मैंने, इसको हैंड स्पैन, इसको क्यूबिट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पहले इससे भी ना पाया जाता था, लेकिन आप ही बताइए क्या ये कंफ्यूजिंग है कि नहीं, एकदम। तो कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, कल का वीडियो हमारा पूरा फोकस करेगा कि पुराने कैसे कैसे यूनिट्स थे और उनको कैसे इम्प्रोवाइज किया गया। क्यों आज हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी कि हम लोग आज कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते, एसआई यूनिट, मतलब इंटरनेशनल यूनिट। बताइए क्यों जरूरत पड़ा, इंटरनेशनल यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि एक ऐसा यूनिट हम बनाए जो हमारे पूरे विश्व के लिए जरूरी है। जैसे आज आप देखते होंगे कि हर विश्व के हर देश का अपना अपना लैंग्वेज है, तो हम लोग किस, तो एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए, तो कॉमन लैंग्वेज की किसको रखते हैं, इंग्लिश को। आज ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि वो एक ऐसी भाषा है जिससे आप कम्युनिकेट किसी भी देश में जाके कर सकते हैं। तो उसी ढंग से, जिस ढंग से ये इंग्लिश भाषा है जो कि कम्युनिकेट करने का साधन है, वैसे ही हमारे यहाँ एक सिस्टम बना, जिसको सिस्टम ए इंटरनेशनल, चूंकि फ्रांस में हुआ था तो उसको सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनाइट्स बोला गया, जिसको शॉर्टकट में बोला गया, जिसका हिंदी यानी इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रांस में, और ये कॉन्फ्रेंस के पीछे कारण क्या था, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे कारण था कि एक यूनिट को बढ़ावा देना, एक ऐसे यूनिट के बारे में बताना जिसके बारे में सब लोग जानते हों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।